पुलिस ने दो लुटेरों को मार गिराया है, ये किस मामले में वांछित चल रहे थे और किस तरह का इनका अपराधिक रिकॉर्ड है? कुछ दिन पूर्व थाना कोतवाली नगर में एक घटना हुई थी जिसमें कि दो लोगों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर फायरिंग करी थी और कुछ सामान लूट कर ले गए थे। इस घटना से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। इन दोनों अभियुक्त पर 50,000 रुपए का इनाम था और ये दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी थे जिनका पूर्व का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कल देर रात्रि एक मुठभेड़ हुई जिसमें कि आशीष नाम का एक व्यक्ति घायल हुआ था और उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान बाद में फिर उसकी मृत्यु हो गई। और एक पुलिस इंगेजमेंट थाना पहासू क्षेत्र में हुआ जहां पे कि एक अब्दुल नाम का अपराधी है, उससे पुलिस इंगेजमेंट हुआ और आत्मरक्षार्थ जो पुलिस की कार्रवाई थी उसमें उसके गोली लगी और अभी कुछ देर पहले उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में मुकदमा हम लोग दर्ज करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे? जो कोतवाली नगर क्षेत्र की घटना है उसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल चोटिल हुए हैं, इन लोग भी इलाजरत हैं और हमारे दो इंस्पेक्टर्स थे जिनके ऊपर भी फायरिंग की गई, उनके जो उन्होंने बीपी जैकेट पहन रखा था उस पर गोली लगी है। और जो पहासू क्षेत्र की घटना है उसमें भी एक कांस्टेबल के चोट आई है, ये सभी इलाजरत हैं, हम अभी इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में इनकी स्थिति ठीक है बट